चलिए रिमसेट के एक और टॉपर से मिलते हैं, श्रुति गुप्ता से, जो कि कोलकाता से हैं, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 100 है और अभी क्योंकि भोपाल अवार्ड सेरेमनी में आई हैं तो अपने कुछ एक्सपीरियंस जरूर शेयर करेंगी। तो श्रुति, सबसे पहले तो 100 रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और श्रुति के साथ काफी स्ट्रगल रहा, इनफैक्ट इस बार का एग्जाम भी इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। इनफैक्ट फादर को तो पता भी नहीं था, उन्होंने कहा था कि इतनी तबीयत खराब में एग्जाम नहीं दे सकते। उसके बाद भी सोचिए 100 रैंक अचीव की, ये मायने रखती है। तो श्रुति, आप पहले तो अपना जो एंटायर सक्सेस जर्नी है वो बताओ, फिर आपने इस फीवर के बाद भी, इनफैक्ट आप अभी भी, आपके तेवर ठीक नहीं उसके बाद भी भोपाल आए और कोलकाता से ट्रेन नहीं होने के बाद भी मैनेज किया, नो डाउट ये मुझे बहुत अच्छा लगा, आपकी मदर भी आई है, तो आप पहले अपनी इंटायर सक्सेस जर्नी बताओ। सर, 2022 में इंपेटस गुरुकुल का नाम सुना था और फिर आपके मदद से और आपके एक सीनियर की मदद से, स्मित भैया, उनकी मदद से हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए। उस साल तो NMSET निकल गया था लेकिन लोन सैंक्शन नहीं हुआ, अनफॉर्चुनेटली बहुत हताश हो गए थे, बट स्टिल आप मोटिवेट किए आगे बढ़ने के लिए, मेरे को बहुत ज़्यादा प्रेरणा दिए, मम्मी भी उतना ही प्रेरणा दी। और फिर इतना पुश करने के बाद हम फिर से एक बार तैयारी किए, इस बार मेरा ऑल इंडिया रैंक 100 आया है और वो भी, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, घर में किसी को मालूम ही नहीं था कि हम शायद एग्ज़ाम देंगे। हाँ, तो घर वाले तो पढ़ने से रोक रहे थे, दो महीने का गैप हो गया था कि कुछ पढ़ा ही नहीं था, छुआ भी नहीं था। फिर भी लास्ट में हिम्मत करके थोड़ा बहुत पढ़ा, रिवाइज किया और जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ाए थे ना एकदम बेसिक, मैंने उन्हीं को रिवाइज किया लास्ट में, ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं और उसी से मेरा हो गया। तो बिल्कुल सही बोला श्रुति, और आपकी तबीयत इतनी ख़राब होने के बाद भी इतनी अच्छी रैंक आई, पर कहते हैं ना अगर अपने अंदर बिलीव हो, बिलीव सिस्टम बहुत बड़ी चीज है, पढ़ा तो था ही पहले, वो बिलीव आपका काम कर गया। लास्ट ईयर आपकी लास्ट मोमेंट पे इतनी अच्छी रैंक के बाद भी एडमिशन आप बाई चांस नहीं ले पाए, बट कहते हैं ना अंत भला तो सब भला हो सकता है, आपको जिस कॉलेज में जाना लिखा था वो आप इस साल जा पाएंगे। तो श्रुति, आप अपने जूनियर्स को क्या बोलना चाहोगे, क्योंकि आपने तो बहुत स्ट्रगल किया, कई बच्चे जरा सा बीमार होते हैं, कुछ होता है और हिम्मत हार जाते हैं, पर आपने हिम्मत नहीं हारी, तो आपका क्या मैसेज होगा? मैं बस यही बोलूँगी कि हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। अगर आप किसी भी चीज़ को कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो या कोई भी चीज़ कर रहे हो कंसिस्टेंटली, और अगर आपने ठान लिया है कि हाँ आप उसी चीज़ को करना चाहते हो या कंटिन्यू करना चाहते हो, तो आई थिंक आपको कोई चीज़ रोक नहीं सकती है, सारी चीज़ें एक्सक्यूजेज है। और जैसे भी परिस्थितियाँ हों, ख़राब परिस्थिति तो हर जगह होती है, हर किसी के साथ होती है, बट रुकना नहीं है और तभी आपको सफलता मिलेगी। बिल्कुल सही बोला श्रुति, और अभी आपको लाइफ में बहुत तरक्की करना है, बहुत ग्रो करना है, इनफैक्ट आपने बहुत सारे स्ट्रगल को फेस किया है, नाउ टाइम इज योर, अभी ऑब्वियसली NIT जाके भी स्ट्रगल होगा बट टाइम इज योर, अब आपको वहां पे भी प्रूव करना है अपने आप को, एक सक्सेस तो मिल गई है, वहां पर पॉइंटर मैनेज रखना है, टॉप प्लेसमेंट लेना है, कोडिंग पे बहुत ज्यादा काम करना है, लैंग्वेजेस पे काम करना है, और टफ से टफ सिचुएशन को भी अब आप हैंडल करना सीख गए, क्योंकि अभी आपने क्या बोला कि जब फादर को या सबको लग रहा था आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, मींस की तबीयत वाकई में खराब थी, उसके बाद आपने एग्जाम देके रैंक 100 लेके आई बच्ची, आप देखिए कितनी बड़ी बात है, और अभी भी तबीयत ठीक नहीं होने के बाद, और सबसे खास बात है कि कोलकाता से ट्रेनें ना होने के बाद भी किस तरह से ब्रेक जर्नी करते हुए आई, ये 2 दिन का सफर करके बिल्कुल मायने रखता है। मैं आपकी मदर को भी बुलाना चाहूंगा एक बार, क्योंकि वो भी आपके साथ आई, आइए। तो सबसे पहले आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, सबसे ज्यादा तो खुशी की बात ये, आपकी भी तबीयत ठीक नहीं उसके बाद भी आप भोपाल आए, और बच्चे के सफलता में माँ बाप का बहुत बड़ा योगदान होता है और इसकी सफलता में आपका बहुत बड़ा योगदान है, तो मैं आपको एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा श्रुति की इस रैंक के लिए। और आज आपने अभी भोपाल में अवार्ड सेरेमनी अटेंड की, कैसा आपको फील हुआ? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुआ, बहुत हमको अच्छा लगा। चलिए, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये मेहनत की है और सफल हुई है, और आज जो भी मेहनत की है आपका सब मदद के वजह से हुआ, आप सपोर्ट नहीं करते तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। थैंक यू सो मच। श्रुति, आपका भी क्या एक्सपीरियंस था आज के अवार्ड सेरेमनी में? सर, पहले तो लग रहा था कि 2 दिन ट्रैवल करके बहुत फीलिंग आ रहा था कि रिग्रेट हो रहा था ट्रेन में, बट जब आज ये सब देखे तो इतना इंस्पायरिंग और एंजॉयिंग मोमेंट था कि कितना कुछ सीखना है आप, मतलब आपसे ही आप इतना कुछ करते हैं, मतलब बहुत मोटिवेटिंग था मेरे लिए कि मेरे को अभी और ज़्यादा फिट होना है, अपने हेल्थ पे ध्यान देना है, पढ़ाई पे भी ध्यान देना है और ज़्यादा अच्छा करना है। बिल्कुल करोगे आप, वंस अगेन ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू।